कि भारत का मीडिया इस वक्त सत्य के साथ खड़ा नहीं, उसमें साहस नहीं और उसका इरादा बदल गया है। कमजोर लोग हो हमारे आसपास वो ठीक है, सब कोई एक बराबर से मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन कोई किसी की नीयत बदल जाए, जो इस हिंदुस्तान की जो वसीयत हमें सौंप कर लोग गए हैं, जिन्होंने 100 साल एक मॉडर्न इंडियन नेशन के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों ने हमें एक वसीयत दी है और वो वसीयत नजर आती है आईन की शक्ल में, संविधान की शक्ल में। अगर उस वसीयत से कोई छेड़छाड़ करे और मीडिया वो सवाल सही सवाल ना करे, तो वो अपना इरादा जाहिर करता है कि अब वो भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। और मैं इसकी हजारों मिसालें दे सकता हूं आपको। महीनों बहस होती थी, अब सीएजी की रिपोर्ट आई है कि एक आदमी 41 बार सिलेंडर भराता है महीने में, तो जाहिर है एक सवाल उठता है कि खाना सिलेंडर पर बन रहा था या खाने में सिलेंडर खाया जा रहा था। पर अब उन सवालों को छोड़ देता है मीडिया और वो हिस्सेदार बन गया है उस बड़े नैरेटिव के, जिसका जिसके खतरे का अंदाजा आप देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आपको है नहीं, और आप इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि बहुत लोग मुझसे मिलते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने लिखना बंद कर दिया है क्योंकि गाली देने वाले लोग आ जाते हैं, धमकी देने वाले लोग आ जाते हैं। जैसे कानपुर में कुछ व्यापारियों ने प्रधानमंत्री किसी नीति से नाराज होकर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा दी और किम जोंग की तस्वीर लगा दी, तो सबके खिलाफ एफआईआर। तो व्यापारी लोग जो चंद्रा दे रहे उनको जिता रहे थे, जेल भी गए या मुकदमा हो। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं और टीवी की जो भाषा है आप उसको गौर कीजिए। ये दो चार खराब अंग्रेजी जानने वाले जो अंग्रेजी के एंकर हैं वो किस जबान में बोलते हैं, वो जबान है और बोलने की जो बॉडी लैंग्वेज है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम मेहनत में आप समझ सकते हैं कि वो ये बता रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सुनो। और वो हम वो नहीं कह रहा है, उससे जो कहलवाया जा रहा है उनके मालिकों के जरिए वो ये कह रहा है, और उसमें डिसेंटिंग वॉइस जो अदर ओपिनियन है उसकी उतनी उसकी इंक्लूसिव नहीं है उसमें। तो ये एक दौर है। जैसे मैं ही एक एग्जांपल दूं, आपने सुना होगा दुनिया में कोई सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम बीजेपी है, उसके प्रवक्ता मेरे शो में नहीं आ पा रहे क्योंकि उस पार्टी ने मेरा बहिष्कार किया है। अब आप सोचिए 130 करोड़ की आबादी में एक अकेला बंदा हार मान सकता है, उसका इतनी हुकूमत जिसके गृह मंत्री कहते हैं कि हमसे डरने की जरूरत नहीं है, मुबारक हो। से डरने की जरूरत नहीं है, जाओ उसके शो में जो कुछ रहा है जवाब लेके आ जाओ, है ना। तो ये एक रूल के तौर पे स्थापित किया गया कि आप सवाल करेंगे तो आप बहिष्कृत कर दिए जाएंगे। अभी एनआरसी की जो बहस हुई तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में गृहमंत्री तो बहुत लोग हो रहे हैं, लेकिन इतिहास मंत्री पहली बार देख रहा हूं। जब भी हमेशा बिल लेकर आते हैं वो इतिहास में लेकर आते हैं। अब चूंकि उनकी एक स्टैंडिंग है, उनके पीछे बहुत सारे एमपी ताली बजा रहे होते हैं, भाषा उग्र होती है, देव भाषा उग्र होती है, वो गृह मंत्री की भाषा नहीं होती है। आप देखिए पहले के इस ये मुल्क चला है, पहले के कमांडरों से चला है, पहले के जनरलों से चला है, उनकी भाषा देखिए और उनकी भाषा और देवर देखिए किस खम के साथ वो इतिहास को लेकर गलत बयानी कर गए। और जब मनीष जी ने कहा कि सावरकर ने टू नेशन की थ्योरी दी थी,
तो सदन में जवाब भी देने आए, ये उनकी ईमानदारी है कि देने आए तो उन्होंने कहा कि दी थी या नहीं दी थी हमें पता नहीं, लेकिन हम खंडन भी नहीं कर पाते। तो अमित शाह जी जो कह दिया वो इतिहास, जो सही इतिहास वो घास हो गया और जो गलत इतिहास वो पास हो गया। जो यही रोज कर रहे हैं, जो कि ताकत है उनके साथ बहुत तरह के माइक लगे हुए हैं, और खासकर मैं जिस भाषा से आता हूँ, हिंदी भाषा से, आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा मनीष जी, और शाह साहब आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि आपके शहर में आने वाले हिंदी के अखबार हिंदी की जनता के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें गुमराह कर रहे हैं, उनकी जानकारी सूचना की सत्यता, हम सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक तरह से लोगों की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी होती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उसमें उस भागीदारी के लिए पहली शर्त है कि आप इन्फॉर्म हो, तभी तो पार्टिसिपेट करेंगे ना, बिना इन्फॉर्म हुए आप कैसे पार्टिसिपेट करें। तो वो मीडिया उनको चैलेंज नहीं कर रहा। बीजेपी ने महाराष्ट्र के घोषणा पत्र में कहा सावरकर को भारत रत्न देंगे, और जिस प्रेसिडेंशियल एड्रेस का जिक्र मनीष तिवारी ने किया लोकसभा में और राज्यसभा में आकर वो जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब उनके इनके बाद भी कई लोगों ने उसका हवाला दिया सावरकर के एजुकेशन थ्योरी का, या इतनी बड़ी पार्टी के पास वो प्रेसिडेंशियल स्पीच नहीं था। वो सब इतिहास गलत होता है। आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पढ़ो, उन्होंने कभी भी राष्ट्रीयता को धर्म के आधार पर परिभाषित नहीं किया। भारत में दो ही लोगों ने धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता को परिभाषित किया, वो हिंदू महासभा के लोग थे, आरएसएस के लोग थे और मुस्लिम लीग के लोग थे। 1942 के साल में क्या हुआ था? 1942 के साल में कांग्रेस को बैन किया गया था। कांग्रेस का अगना नेता और बड़ा नेता 3 साल 4 साल जेल में रहा और अंग्रेजी हुकूमत ने बर्बरता की थी, यहां तक कि गांव-गांव से निकालकर चरखे तोड़ डाले गए थे कि इसका नामो निशान नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान में, क्योंकि लोग चरखा चलाकर खड़े हो जाते हैं। उस इतिहास को आप गायब कर देते हैं, सदन में खड़े होकर एक लाइन में बताते हैं। अब वो मौका नहीं है, क्योंकि आपके पास संख्या बल है, और संख्या बल है तो आप ज्यादा मनीष जी बताएंगे, उसी के हिसाब से सदन में समय मिलता है वक्ता को। तो 1942 से लेकर 47 के साल में क्या हो रहा था वो बताने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। आप जानते होंगे कि 2 तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसियां थी, एक जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो 1909 और 1919 के एक्ट में बनकर तैयार होते हैं हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी हुकूमत लाते हैं। और उस वक्त मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा भारत का राष्ट्रवादी मुसलमान जिन्ना के मुसलमानों से लड़ रहा, वो उनके जूते खा रहा था, गलियों में छुरियां खा रहा था, और वो अकेले अपने दम पर लड़ रहा था वो गलियों में हर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आप उत्तर प्रदेश जब वो संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस वक्त का डेटा उठाकर देखिए, कांग्रेस के टिकट पर खड़े होने वाले मुसलमानों ने वोटिंग परसेंटेज 30-32% के आसपास प्राप्त किया, लेकिन वो जीत नहीं सके। और ये वही दौर है उस चुनाव में जब कांग्रेस खत्म हो जाती है, और ये हमेशा हुआ, जब कांग्रेस मिट गई उस 42 से 45 के बीच में, तब ये मुस्लिम लीग बड़ा हो गया और ये दूसरी प्रतिक्रिया में कई तरह के धार्मिक संगठन आ गए। उस वक्त खाकी पैंट और काली टोपी वाले ही नहीं थे, खाकी पैंट और नारंगी टोपी वाले भी थे, जिसका एक नाम राम सेना था, और उसी तरह से मुस्लिम गार्ड, मुस्लिम लीग का मुस्लिम गार्ड। ऐसी वहशियत हुई है, आप इतिहास पढ़िए, इसी वक्त की तरह जिस तरह का झूठ प्रपंच गली गली में लोग अफवाह फैला रहे थे कि मुसलमान ऐसे हैं तो हिंदू ऐसे हैं, और जब वो अपने दम पर वो कसमें कमाने के लिए छोड़ रहे थे, लड़ रहे थे, उसका इतिहास आपको नहीं बताया जाता। तो जिस दिल्ली से मैं आया, वो दिल्ली भारत की राजधानी जो है एक और चीज की राजधानी बन गई, वो झूठ की राजधानी बन गई। वहां से दिन रात न्यूज चैनलों के जरिए झूठ फैलाया गया कि आपको लगातार कैसे सांप्रदायिक बनाकर रखा गया, और ये एक दिन नहीं हो रहा, एक चैनल से नहीं हो रहा, ये सैकड़ों चैनल से हो रहा। रोजी रोटी के सवाल पर चर्चा नहीं है। मैंने इतने तेवर में तो देश के
शिक्षा मंत्री को भाषण देते नहीं होगा। इतने दिनों से हम नागरिकता दे रहे थे, तब तो धर्म का सवाल नहीं आया था, लेकिन अब आप देख रहे हैं। तो सत्याग्रह का श्रेष्ठ थी सत्य बोलने के लिए समाज और संस्थाओं को लोकतंत्र में असहमति जाहिर करने का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? उन संस्थाओं की है जिसके लिए हम टैक्स देते हैं, हम लड़ते हैं, जिन संस्थाओं को बनाने के लिए उनकी मकबूलियत करने के लिए हमने 100 साल का संघर्ष किया। आज ना तो सुप्रीम कोर्ट अदालतों का आपका भरोसा नहीं है, एक फैसला आता है 100 बातें सुप्रीम कोर्ट में मिलती हैं। न्यायपालिका में देख लीजिए, आप सदन के भीतर देख लीजिए कि किस तरह से अपोजिशन जब बोलता है उसके साथ बर्ताव हुआ होगा, और फिर आप न्यूज चैनलों पर आकर देखिए और अखबारों पर पहुंच के देखिए तो अपोजिशन गायब है। अगर आपकी बात नहीं सही है तो दूसरी बात भी छप जाने दीजिए। आप क्यों ताकत के दम पर एक इतिहास जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है आप उसको साबित करना चाहते हैं? आपको जब सुविधा होगी तो पटेल को नेहरू से बड़ा कर देते हैं, जब चाहिए होता है तो आप कांग्रेस को कहते हैं इसने धर्म का आधार पर देश को बांट दिया। तो जिस कांग्रेस की कार्य समिति ने ये फैसला लिया था उसमें विरोध करने वाला भी एक मुसलमान तहसीलदार था, खान अब्दुल गफ्फार खान, उसका भी नाम ले लेते हैं। तो आपका इरादा तो वो नहीं था, और उस कार्य समिति में तो सरदार पटेल भी थे। आप जानते हैं इस देश की जनता को इतिहास के पन्ने पलटने का वक्त नहीं है, आपके पास भी नहीं है, और मीडिया ये काम करेगा। अब आप धमकी के स्वर में बोल रहे हैं कि नेशनल रजिस्टर लेकर आएंगे, तो कौन कौन लोग इसमें से जाकर अपनी वसीयतनामा लेकर आएगा, लेगेसी डॉक्यूमेंट लेकर आएगा कि हम इस देश की बात सुनते हैं? क्या ये शर्म की बात नहीं है कि हमें आज एक लाइन में खड़ा किया जाएगा कि हम अपनी आजादी की, हम अपनी नागरिकता का सबूत देंगे? तो फिर आप मलेरकोटला के पंजाबी मुसलमानों से कैसे सबूत मांगेंगे? वो तो नहीं है 1947। सबूतों का खेल खेला गया, झूठ का प्रपंच है, ये भारत की आत्मा को आहत कर रहा है। भारत कभी इतना कमजोर देश नहीं होना चाहिए कि कई तरह के विचार पनपे फले फूले हैं। आने दीजिए, अगर उनका वक्त है, उनकी विचारधारा का वक्त है तो आने दीजिए। कई बार चीजें इतिहास की नीचे से ऊपर आती, आने दीजिए, मुझे कोई डर नहीं। लेकिन ये जो पूरा मीडिया का गंडक पकड़कर के मालिकों के जरिए इस देश में खेल हो रहा है, आप लोग एक नागरिक के तौर पर समझिए, और आप बहुत बेहतर हैं इस वक्त समझने के लिए कि इस देश का मीडिया जो सत्याग्रह के बुनियादी सिद्धांत है, छोड़ दीजिए आगे पीछे का, उसका भी पालन नहीं कर रहा है। जब एक झूठ का वातावरण होगा, ये कम्युनिटी ऐसी है, वैसी कम्युनिटी वैसी है, ये ठीक वही वातावरण है जो 45 और 46 साल में था, जहां लोग जमाने से लड़ते चले आए थे। सैफुद्दीन किचलू और ये सत्यपाल जी का ये राज्य है, ये शहीद भगत सिंह का राज्य, जहां लोग जमाने से लड़ते आए थे, अपने पड़ोसियों में शक करने लगे। तो उस हालात तक मत जाइए कि झूठ को जीने के लिए अभी बहुत सारे मसले हैं जिनका हमें समाधान करना है। तो सत्य बोलने की ताकत की स्थापना का संघर्ष तो करना पड़ेगा, वरना इस झूठ को आप भूल नहीं सकते। याद रखिए कि सांप्रदायिक आपको या किसी को भी मानव बम में बदल देते, वो कहीं भी जाके अकेला कमरा किसी के सामने जाके बैठ जाएगा, जान ले लेगा, और हम सब बहस करते रह जाएंगे और समाज में जहर रहता है। मुझे बस इतना ही कहना है कि सच बोलने का साहस, और उससे पहले सच बोलने की जरा से आप मेहनत भी कीजिए, पता लगाइए कि कहां क्या है, कौन है जो गाड़ी सिलेंडर खा जा रहा है, और वो कौन है जिसका नाम सुनील मित्तल जैसे बड़े उद्योगपति नहीं ले पा रहे हैं, जो ट्वीट करते हैं कि एक आदमी को सब फायदा हो रहा है, बाकी सारे उद्योग बर्बाद हो रहे हैं हमारे देश को मिलने से। थैंक यू। मैं ज्योतिष तो हूं, तो मैं कैसे बता सकता, लेकिन कुछ गलतियां इतिहास में होती रहती हैं। हमने साबित किया है कई मौकों पर कि हमें कम्युनिटी के खिलाफ, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ अगर हम झूठ का झूठे अफवाहें फैलाते रहते हैं
तो हम लाखों लोगों को मार सकते हैं। ये हमने इतिहास के कई दौर में साबित किया है। अब तो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात हो रही, लेकिन वो आइडिया तो वहीं से आया था कि लोगों को लोगों से भिड़ाया गया। लेकिन सर, हमने इस दौरान आजादी के बाद और खासकर 70 के दशक के बाद इन मूल्यों को लेकर, वैल्यूज को लेकर पब्लिक एजुकेशन नहीं किया। हमने मान लिया कि आप वैसे हैं, आपने मान लिया कि हम ऐसे हैं, पर धीरे धीरे सूचनाएं फैलती चली गई, उस तरह से धारणाएं बैठी गई। और हर कम्युनिटी के बीच में ऐसे लोग हैं, कुछ ही लोग होते हैं लेकिन वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो सबको ओवरटेक कर जाते हैं। और इसलिए हर कम्युनिटी एक दूसरे की विक्टिम है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसके नाम पे हिंसा उधार नहीं है। कोई ऐसा मजहब नहीं है, लेकिन आप उस हिंसा का हिसाब नहीं कर सकते। तो हमने वो एजुकेशन नहीं किया, हमने सिटीजनशिप है उसको लेकर मेहनत नहीं की, लोगों को नहीं बताया, और हमने वो संस्थाओं को मजबूत नहीं किया। इसीलिए जब सरकारें बदलती हैं तो संस्थाएं बदल जाती हैं और लोग जो है वो इनसिक्योर हो जाते हैं, और इनसिक्योरिटी उनको किसी भी रास्ते पे ले जा सकती है। तो फिलहाल की जो स्थिति है, मैं नहीं जानता कि लोग इन सब चीजों को कितना वैल्यू कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ सरकार के बदलने के डर में देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ये जो बीमारी है लोगों के जहन में फैलाई गई है, जब तक हम इस बीमारी से आजाद नहीं होंगे हम इससे मुक्ति नहीं पा सकते। आप हिंदू बना मुसलमान का जितना भी इतिहास से उठा लीजिए, आपकी अगर नीयत वैसी हो तो आप वही करें। लेकिन मुमकिन है इस देश में कि जनता को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए आप कुछ भी कह दीजिए। जैसे कि उन्होंने कहा, सदन में भी कह दिया गया कि 1947 में पाकिस्तान में इतनी आबादी थी। कोई सेंसस हुआ था पाकिस्तान में 1947 में? 1947 में अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ। 1951 में सेंसस होता है यहां भी और वहां भी, उसके बाद वो देश 20 साल के बाद बढ़ जाता है। तो कौन सा डेटा क्या हम लेके आ रहे हैं, ये इस लेवल पे है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते। कितना पढ़ेंगे आप? अब जाकर बांग्लादेश का सेंसस उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान का सेंसस उठा के देख लीजिए, साथ साथ तीन देश। अगर आप मानवता की बात कर रहे हैं तो क्या भारत ने इतिहास के लोगों को बना दिया है? आप सिर्फ लोग बता रहे हैं कि दुनिया में कितने देशों ने पंजाब के लोगों को अपनाया और पंजाब के लोगों ने कितने देशों को आबाद कर दिया है, बता दीजिए आप। आप लोग तो सच्चे वारिस हैं, गुरु नानक देव जी के असली इंटरनेशनल ट्रेवलर आप ही हैं जो बना के गए आप। और क्या बात है, सोचना चाहिए। मैं जब भी पंजाब आता हूं तो मैं सोचता हूं कि इतना जुल्म बढ़ता गया आप लोगों पर, लेकिन आपके भीतर कल्की नहीं है, कल्की नहीं है। जिस गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का यहां उदाहरण दिया जाता रहता है और एक धारा बनाई जाती रहती है, सिखिज्म उससे उसको भी याद रखता है, लेकिन वो कभी बदले की भावना की बात मैंने तो कभी सिख के मुंह से सुनी नहीं। उसका बदला कि 3 दिन पहले मैं जलियांवाला बाग का किस्सा सुन रहा था। 4 औरतें थी जिस शाम गोली चली थी और उसके बाद के जो कर्फ्यू वाले हालात थे, एक श्याम कौर थी, एक बेगम थी, एक सैनब थी और एक पारो थी, 2 मुसलमान, 1 सिख, 1 हिंदू। इन चारों का कोई नेता नहीं था, वो एक गली में भटक गए थे, शॉर्टकट का रास्ता ले रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लॉन्ग टर्म को सोचा, ये हमारा इतिहास है, हम पीछे नहीं हैं। तो पारो ने भी गोली खाई, श्याम कौर ने गोली खाई, जैनब ने भी गोली खाई, बेगम ने भी गोली खाई। अगर हम इतिहास के उन उदाहरणों को लेकर जिसमें लोगों ने बांटा, जिसमें लोगों ने हमको बहकाया, अगर हम उससे जाएंगे तो हम उस हिंदुस्तान की रचना नहीं कर सकते जिसकी वसीयत हमें
नहीं देखा गया, नागरिकता दी गई, शरण दी गई। तो जब पहले के कानून में आप किसी को भी शरण दे सकते थे तो आप धर्म का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? और आप उन्हीं पाकिस्तान में और तस्लीमा नसीम उदाहरण जिन्होंने लड़का किताब लिखी उनमें उनमें जो वहां के माइनॉरिटी की व्यथा कथा है तो भारत में भी लोकप्रिय हो गई। ऐसा कोई खड़ा हो जाए जो साथ देने वाला हो, वहां की बात को रखने वाला हो और आप उसको बाहर कर रहे हैं, तो आपने धर्म का फैसला किया है एक धर्म का नाम नहीं लेकर। वरना आप देश को यह समझाइए कि पहले के मौजूद कानून में ऐसी क्या कमी थी कि जिसके तहत लोगों को वही नागरिकता नहीं दी जा सकती, जबकि आप संख्या खुद बता रहे हैं कि नागरिकता दी गई है, दी जाती रही है। तो अब यह जिक्र करने की क्या जरूरत है, ये दरवाजा लगाना है, ये आपने एक तरह से ये किया है। दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि आप बीजेपी से नहीं है, पर ये मीडिया का पैटर्न है। पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी जो पहले वो डायरेक्ट प्रवक्ता भेजते थे, अब वो नहीं भेजते हैं। तो ये कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी करती है, विचारक आते हैं उनकी तरफ से उनके आइडिया को डिफेंड करने के लिए। तो ये एक तरह से आप कांग्रेस से किसी आइडिया को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, है ना? तो मुझे यही कहना है कि आपने भी जो बहुत सारे उदाहरण दिए भारत की अच्छी विरासत के, उन्हीं सारे उदाहरणों के दम पे हम कह रहे हैं कि ये मुल्क विश्व गुरु बनने का अगर काम देता है जरूर बनेगा, लेकिन इस तरह की हरकतों से नहीं बनेगा कि जहां आप किसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उस पार्टी के नहीं, और पहले वो आपके पंजाब में आए इतिहास मंत्री जी, तो उनसे पूछिएगा कि आपकी रविश कुमार को लेकर इतनी बेचैनी क्यों होती है आपकी, इतनी